वेलकम टू विवेक शेफ। आज हम बना रहे हैं मूंग के कबाब। आज हम होल मूंग के कबाब बनाएंगे। इसे बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है, 1 कप होल मूंग, हमने इसे 5 आवर्स के लिए भिगा लिया था, आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं, 1 टीस्पून चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, चॉप्ड कोरिएंडर, 2 लार्ज चॉप्ड ऑनियन, इसमें ऑनियन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हमने होल स्पाइसेस ले लिए हैं जिसे हम भून कर पाउडर बना लेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, 3 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 10 से 12 काली मिर्च। आप चाहें तो जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया की पाउडर भी ले सकते हैं, पर इसे साथ में भून कर पीसने से कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम स्पाइसेस को भून कर पाउडर बना लेंगे और मूंग दाल को पीस लेंगे, लेकिन इसे पूरा पेस्ट नहीं बनाना है। अब हमने स्पाइसेस को लो फ्लेम पर रख लिया है। अब हम इसे 2 मिनट से 3 मिनट भूनेंगे और फिर इसे पीस लेंगे ठंडा करके। अब हमने मूंग को पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं किया है और ना ही हमने इसे पीसने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। स्पाइसेस की पाउडर हमने तैयार कर ली है। अब हम सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक, नमक और कोरिएंडर, अनियन, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे एक एक बनाकर तेल में डालेंगे। फ्राइंग पैन में हमने रख लिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक बनाकर कबाब बनाकर इसे तेल में ड्रॉप करेंगे। हमें कबाबों को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये साइड एक साइड से हो चुके हैं, ये देखिए, अब हम इसे टर्न कर लेंगे। अब कबाब बन चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे। अब हमारे मजेदार मूंग के कबाब तैयार है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अभी के लिए एंजॉय करें। थैंक यू।